लीफलेट्स और फ्लायर्स की तकसीम का जो मंसूबा था मुख्तलिफ ममालिक को मैंने कहा था बड़ी ज़रा तेज़ी से इस पर काम करें। इस वक्त फ्लायर्स लीफलेट्स पैगाम और के ज़रिए से पैगाम पहुँचाने के लिहाज से जो नुमाया ममालिक हैं उनमें USA, इन्होंने इस साल 2,70,000 फ्लायर तकसीम किए। स्विट्ज़रलैंड में 7,37,000 फ्लायर तकसीम किए गए और 21,00,000 लोगों तक पैगाम पहुंचा। यहाँ स्विट्ज़रलैंड के मुबल्लिग लिखते हैं कि जब अमेरिका में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तौहीन अवेज़ फ़िल्म बनाई गई तो उसके रद्देअमल के तौर पर जब मैंने मुख्तलिफ जमातों को हदायत की दुनिया में कि अपने अपने मुल्कों में जगह जगह सीरत नबी के जलसे करें तो स्विट्ज़रलैंड में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए जिसके गैर मामूली नतज ज़ाहिर हुए। कहते हैं एक प्रोग्राम में एक स्विस खातून ने सवाल जवाब के दौरान खड़े होकर अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इन बोधे और घटिया किस्म के एतराज़ात और हमलों से बाला है। इस तरह की तौहीन अमेज़ फिल्में बनाकर या कार्टून शाया करके ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और इज़्ज़त को कम नहीं कर सकते। जैसे कोई चाँद की तरफ थूके तो उसके थूक अपने ऊपर आकर गिरता है, चाँद को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँच सकता, वैसे ही इस तरह की घटिया हरकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मुसलमान तो खामखा परेशान हो मुसलमान तो खामखा शोर मचाते हैं और गैर मुनासिब रद्देअमल के ज़रिए से इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदनामी का बायस बनते हैं।